देखिए आज हम लोग पॉलिटी में नया टॉपिक क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? संसद। अब देखोगे, समझो ना, उसको बंद करो, अभी सिर्फ समझो, बाद में मैं लिखा भी दूंगा और नोट्स में भी देख ले। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं और इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5, पार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। तो भाग 5 एंड आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद 79 से 122 के बीच है, ठीक है ना। तो पूछा जाए कि संसद पार्लियामेंट का मेंशन किस पार्ट में है, तो पार्ट 5 और साथ ही साथ आर्टिकल 79 to 122 के बीच क्या है, इंडियन पार्लियामेंट का मेंशन किया गया। अब यहां क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज पार्लियामेंट और पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट। हाँ, ये बता रहा है विवेक, क्या क्या? प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन है? तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा। प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? राज्यसभा। तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। इंग्लिश में भी हम लोग राज्यसभा ही कहते हैं, प्लस लोकसभा। और कुछ होगा नहीं। बस, यानी एक लाइन में अगर आपको कोई भी पूछे कि संसद किसे कहते हैं, पार्लियामेंट क्या है, तो आप कहोगे सर पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है ना। इन सब से मिलकर क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। अब आप देखो, इंडिया में पार्लियामेंट में दो हाउस है, जो अमन ने बताया कि एक क्या है, राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। यानी इंडियन पार्लियामेंट में, संसद में कितने हाउस है? देयर आर टू हाउस इन पार्लियामेंट। फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा। अब देखो, लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा को हम लोग कहते हैं क्या? लोअर हाउस, यानी ये निचला सदन है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल भी कह लो, हाउस ऑफ पीपल, या हम लोग कह रहे हैं लोअर हाउस एंड एज वेल एज फर्स्ट हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये क्या है? फर्स्ट हाउस है। और इसको क्या कहोगे आप? राज्यसभा को इसको हम लोग कहेंगे अपर हाउस, या आप कह लो हाउस ऑफ एल्डर्स, यानी बड़ों का सदन, प्लस हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड हाउस, द्वितीय सदन। किससे? इलेक्शन में, जो पहले आपका किसका इलेक्शन होगा? लोकसभा का, देन राज्यसभा का इलेक्शन होगा। बने तो एक ही टाइम में, अब मैं बता रहा हूँ कब बने थे, इनोग्रेशन कब हुआ था, डिजाइनर कौन थे, आर्किटेक्चर कौन थे, वो सब मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्लियर है? लोकसभा को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? दो, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? निचला सदन, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों का सदन, और प्रथम हाउस यानी फर्स्ट हाउस, इसको क्या कहते हैं? अपर हाउस। दूसरा हाउस ऑफ एल्डर, बड़ों का सदन, और तीसरी बात में हम लोग क्या कह रहे हैं? सेकेंड हाउस या द्वितीय सदन। अब जो ये अमन पूछ रहा है कि बना कब ये, तो ये दोनों बनकर तैयार हुआ 1927 में। 1921 में इनका काम शुरू हुआ, और यानी बनना शुरुआत कब हुआ था? 1921 में, और 6 साल का टाइम लगा, और 1927 में बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। 27, 6 साल ही लगा था। तो 1921 में काम शुरू हो रहा है और 1927 में क्या हो जा रहा है? कंप्लीट। अब इसके आर्किटेक्चर कौन थे, किसने तैयार किया? पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट और डिजाइन, दो आर्किटेक्चर थे। आप देखिए, अगर आप पार्लियामेंट की तरफ घूमने जाते हो, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, या वो इंडिया गेट की तरफ जाते हो, पूरी एरिया का नाम क्या है? लुटियंस जोन। अब लुटियंस जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि दो आर्किटेक्चर हैं, सर एडवर्ड लुटियंस प्लस दूसरे कौन, तो हर्बर्ट बेकर। तो इसके दो आर्किटेक्चर है पार्लियामेंट के, मैं यहां लिख रहा हूं, कौन कौन? एडविन लुटियंस प्लस हर्बर्ट, हर्बर हर्बर्ट है ना, हर्बर्ट बेकर। तो हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियंस, ये दो लोग कौन है? पार्लियामेंट के आर्किटेक्चर या डिजाइनर है। अब 1927 में पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है, यानी उद्घाटन हो रहा है, कौन कर रहा है उद्घाटन? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कौन है इस समय इंडिया में? गवर्नर जनरल। तो पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन कब हुआ? आप कहोगे 1927 बाय लॉर्ड इरविन। द आर्किटेक्चर ऑफ पार्लियामेंट वॉज एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, दैट्स वाई वो पूरा एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? लुटियंस जोन। क्लियर है यहां तक? को दिक्कत तो बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा।
अब आप देखोगे ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों स्ट्रक्चर, दोनों बिल्डिंग के बीच में एक जो बिल्डिंग है जो दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों के बीच में जो बिल्डिंग, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल। क्या नाम है? सेंट्रल हॉल। तो एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ राज्यसभा है, दोनों के बीच जो कंबाइंड बिल्डिंग या जो दोनों को कनेक्ट करने वाला बिल्डिंग है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल हॉल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो डिबेट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन था? 1946 में बना था, और जिसने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो डिबेट हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक वो कहां हुआ? सेंट्रल हॉल में। और फिर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर किसी बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो प्रेसिडेंट साहब क्या बुलाएंगे? ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस। अब ज्वाइंट सेशन बुला रहे हो तो लोकसभा में 545 मेंबर है, 545, और इधर कितने हैं? 245। अब दोनों को एक साथ ना तो लोकसभा में बिठा सकते हैं और ना दोनों को एक साथ राज्यसभा में। ज्वाइंट सेटिंग कहां होगा? इन सेंट्रल हॉल। यानी अभी भी लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सीटिंग कहां होता है? जब प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे तो सेंट्रल हॉल में। और ज्वाइंट सीटिंग का चेयर कौन करेगा? ज्वाइंट सीटिंग को ऋतु बताएगी, लोकसभा स्पीकर। यानी संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, या आप कह लें द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट चेयर बाय लोकसभा स्पीकर। क्लियर यहां तक? ये क्वेश्चन कई बार आया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। कई लोग गलती से प्रेसिडेंट कर देते हैं टिक, अब मैं बता रहा हूं, वो कई लोग गलती से टिक कर देते हैं प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट क्या करता है, हाउस को ज्वाइंटली एड्रेस करता है। एड्रेस को हिंदी में हम लोग कहेंगे अभिभाषण देना, और दूसरी तरफ अध्यक्षता करना। दोनों में फर्क है ना, एक तरफ क्या है चेयर एंड एक तरफ क्या है एड्रेस। तो एड्रेस करने का मतलब अभिभाषण देना। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हर साल जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, पहले सेशन को कौन एड्रेस करेंगे? ज्वाइंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, हर जनरल इलेक्शन के बाद जैसे ही पहली लोकसभा बनी है, उस पहली लोकसभा को भी क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब एड्रेस करेंगे। क्लियर? तो प्रेसिडेंट साहब एड्रेस करते हैं, ज्वाइंटली भी एड्रेस करेंगे। हाउस में आप जानते हो साल में कितने सेशन चलते हैं? 3 सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? ओनली 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा नहीं। तो हर साल सेशन शुरू होगा फेब मंथ में, और बजट सेशन से ही क्या हो रहा है? सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, पहले दिन इसी सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को ज्वाइंटली एड्रेस कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। तो जहां पूछे ज्वाइंटली एड्रेस कौन करता है, आंसर आंख मूंद के प्रेसिडेंट। ज्वाइंटली आप कहोगे ज्वाइंटली सीटिंग को चेयर कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। क्लियर? अदरवाइज लोकसभा चेयर बाय लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयर बाय वाइस प्रेसिडेंट, और आप क्या कह सकते हो? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब आप देखो टोटल स्ट्रेंथ अगर आपको पूछा जाए लोकसभा का, मैं ये मिटा रहा हूं, एक तरफ लोकसभा है दूसरी तरफ राज्यसभा है, अगर आपको पूछा जाए लोकसभा का कुल सदस्य संख्या कितना है, मोहित बताएंगे? द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 545। अच्छा, ये 545 मोहित बता रहे हैं ना, मैं नहीं बता रहा हूं कुछ अभी। 552 होगा, क्या होगा? 53 कैसे हो जाएगा? अगर पूछा जाए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, आंसर 552। एट प्रेजेंट वर्तमान में कितना है? 545। तो एट प्रेजेंट इट इज 545। क्वेश्चन दो तरह से पूछेंगे, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, आंसर 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 555। हाँ, 2026 तक 545 ही रहेगा, ये भी सही कह रहे हो आप। अब आओ राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, द टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बट एट प्रेजेंट ये कितना है, ओनली 245। क्लियर हो रहा है विकास?
तो अगर पूछे वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी, तो कितनी कहोगे? राज्यसभा की 245 और लोकसभा की कितनी है? 545. कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, अगर पूछा जाए आपको ये जो 545 एमपी हैं, जो लोकसभा एमपी जिसको हम लोग कहते हैं, ये कैसे आए, किन किन स्टेट से आए, या इनका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप देखोगे इसमें जो 545 है, ये लोग क्या होगा, 530 प्लस 4, अच्छा 20, उसके बाद 530 और 20 से, यही होगा स्ट्रक्चर ना, यानी 530 कहां से आएंगे, स्टेट से, जितने स्टेट है वहां से 530 आ गए, 20 कहां से आएंगे, बाय यूटी यूनियन टेरिटरी, और आपके दो कौन है, एंग्लो इंडियन. अब एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं ऋतु, हु इज एंग्लो इंडियन इन इंडिया, क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आंग्ल भारतीय कौन है, या एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है. मैंने कई बार बताया, ऐसा यूके का सिटीजन, ऐसा विदेशी नागरिक जो इंडियन किससे, लेडी से या भारतीय महिला से क्या कर लिया हो, शादी कर लिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंग्लो इंडियन. तो ये तो टोटल स्ट्रेंथ के बारे में आप बता रहे हो, 530 प्लस 20 प्लस 2, ये क्या है टोटल स्ट्रेंथ, अभी क्या है 545, तो 545 का स्ट्रक्चर क्या होगा, 530 प्लस 13 प्लस 2, जोड़ोगे तो 545 होगा. तो अभी का जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो है 545, जिसमें से 530 530 स्टेट से आए हैं. किस स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी हैं, यूपी से, ठीक. 13 कहां से आए हैं, यूटी से. यूपी में 80 एमपी हैं, सबसे ज्यादा यूपी से है लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी भी सबसे ज्यादा यूपी से ही होगा. अब जो ये 13 जो है ये यूटी से आए, और यूटी में सबसे ज्यादा कहां से है, सबसे ज्यादा यूटी में, यूटी से लोकसभा एमपी किस यूटी से है, दिल्ली से 7 है, और दो क्या है, एंग्लो इंडियन. क्लियर हो गया स्ट्रक्चर, मिटा दूं. अब आइए इधर राज्यसभा में, तो राज्यसभा का अभी अभी प्रेजेंट में क्या टोटल स्ट्रेंथ है, 245. अब ये 245 कैसे कैसे आए, 229, ये आए हैं 229 प्लस 12 प्लस 4, यही है ना. ये 229 कहां से आए, स्टेट से. ये 12 कौन है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ये यूटी से. देखो इंडिया में दो ही यूटी एक्सेप्शनल है जहां से क्या आता है, राज्यसभा एमपी, कौन कौन, वन इज दिल्ली एंड सेकंड इज पौंडीचेरी. उसमें भी दिल्ली से 3 राज्यसभा एमपी है और पौंडीचेरी से ओनली 1, तो यूटी से 4 आ गया. हमने बताया था कई बार कि दिल्ली और पौंडीचेरी को 69 एंड 70 अमेंडमेंट से क्या कहा गया, ये स्टेटस दिया गया कि यहां पर क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, एमएलए होगा, और साथ ही साथ सीएम होंगे, और साथ ही ये दोनों यूटी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है. यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोल कॉलेज, तो प्रेसिडेंट के इलेक्ट्रोल कॉलेज का दिल्ली एंड पौंडीचेरी के भी इलेक्टेड एमएलए क्या है, पार्ट हैं, सदस्य हैं, इलेक्टेड एमएलए, यानी जो जीत कर आया है ना वो वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी करेगा. और ये 12 लोग प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, नॉमिनेट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, पब्लिक सर्विस, लिटरेचर एसेट्रा. जैसे आप देखो सचिन तेंदुलकर क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर है ना. रेखा, रेखा के साथ साथ जावेद अख्तर साहब भी थे, ये लोग सबको क्या थे, नॉमिनेटेड. हाँ, तो ये सारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं. क्लियर, कोई दिक्कत इसमें. राज्यसभा जो एमपी होते हैं सर, उसका मतलब किस तरह से आते हैं स्टेट से, वो नहीं पता. मैं बताता हूँ, देखो राज्यसभा और राज्यसभा के साथ साथ आप देखोगे जो स्टेट में आपको कई स्टेट ऐसे हैं, 7 स्टेट, और अभी उड़ीसा, मैंने बताया था कि उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या कर दिया, 2/3 मेजोरिटी से अपने यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए बिल पास कर दिया, और वो बिल अब कहाँ आएगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साहब कहाँ रखेंगे, इन पार्लियामेंट. एंड पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से इसको अगर पास कर देता है तो इंडिया में अब कितने हो जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, 8, अभी तक 7 है. तो इंडिया में राज्यसभा एमपी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को हम लोग कहते हैं एमएलसी,
इन दोनों को वोट डायरेक्टली वोट जनता नहीं करती है, इन लोगों का क्या होता है इनडायरेक्टली इलेक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है ऑर्डर कि जो नोटा है, नोटा क्या होता है, नन ऑफ द एवर, नोटा ऑप्शन इन दोनों इलेक्शन से क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए, राज्यसभा में भी नहीं हो और एमएलसी के लिए भी ना हो। ठीक है, तो राज्यसभा एमपी को वोट कौन करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, हर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए किसको वोट करेंगे, राज्यसभा एमपी को। क्लियर, जैसे राजस्थान के एमएलए किसको करेंगे, राज्यसभा, राज्यसभा के लिए जितना सीट राजस्थान के लिए है उसको करेंगे। अब इसमें देखिए, जो पार्टी मेजोरिटी में उस स्टेट में, ऑब्वियसली उसके क्या होंगे, ज्यादा राज्यसभा एमपी होंगे। सपोज हम लोग दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए हैं, तो राज्यसभा एमपी जो तीन सीट दिल्ली के लिए है, तीनों किसके पास होगा, आम आदमी पार्टी। यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ बीजेपी आई है, ठीक है, गवर्नमेंट उनका है, मेजोरिटी पार्टी है, राज्यसभा एमपी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा किसका होगा, बीजेपी का। तो जिस स्टेट में जिस पार्टी के ज्यादा एमएलए हैं उनके ज्यादा राज्यसभा एमपी होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते, जनता नहीं करती है, यूनिवर्सल वोटिंग नहीं होता है। उसमें मेथड है, उसमें कहा गया है कि वहां पर एमएलए करेंगे, एमएलए के साथ साथ जो लोकल क्या है रिप्रेजेंटेटिव, जो मुखिया यानी आप कह लो लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटीज जो है, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज, वो मिलकर करेंगे। फिर ऐसे ग्रेजुएट जो तीन साल पहले उस स्टेट में ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनका नाम क्या है, जो इलेक्ट्रल रोल है उसमें है मेंशन, वो वोट करेंगे। साथ ही साथ क्या कहा गया है, ऐसे टीचर जो लास्ट थ्री इयर्स उस स्टेट में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो वोटर हैं। साथ ही साथ 1/6 को गवर्नर साहब, जिस तरह से प्रेसिडेंट 1/12 को किए, 12 को किए सॉरी, तो 1/6 को टोटल स्टेट के 1/6 को गवर्नर इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्ट के साथ साथ क्या होगा, साइंस सोशल वर्क से नॉमिनेट करके भेज देंगे। तो राज्यसभा और राज्यसभा के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों का इलेक्शन इंडिया में डायरेक्टली नहीं होता है। इलेक्शन कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट इलेक्शन का नेचर क्या है, डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। अदरवाइज आप यहां लोकसभा में आओ, यूनिवर्सल वोटिंग है, जिनका भी एज 18 साल या उससे ज्यादा का है और उनका नाम कहां है, इलेक्ट्रोल रोल में है, निर्वाचन सूची में है, वो क्या करेगा, वोट करेगा। और यहां नोटा भी है, नहीं कोई बटन दबाना है, क्या दबा दो, नोटा, नॉन ऑफ द एवब। और यही फैसिलिटीज आपको एमएलए इलेक्शन में भी मिलेगा, विधानसभा में, वहां पर भी यूनिवर्सल वोटिंग है, 18 साल है उससे ज्यादा एज के जो भी हैं क्या कीजिए, और जिनका नाम इलेक्ट्रोल रोल में है वोट कीजिए, किसी को नहीं करना है नोटा दबा दीजिए। समझ गए, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। राज्यसभा एमपी बनना है हम लोगों को, तो हम लोगों के में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी योग्यता किसके लिए, फॉर राज्यसभा एमपी, राज्यसभा आरएस फॉर राज्यसभा हो गया, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बताइए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको राज्यसभा एमपी के लिए। आप जानते हो राज्यसभा एमपी बनने के लिए पहला कंडीशन तो यह है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ, भारत का नागरिक तो होना ही पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30। उसके साथ और क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो किसी लाभ के पद पर ना हो, और पागल या दिवालिया हो क्या, पागल दिवालिया ना हो। साथ ही साथ उसे 5 साल से ज्यादा की सजा किसी मामले में ना हुई हो। तो इन कंडीशनों को अगर फुलफिल करते हैं तब जाकर आप क्या बन सकते हैं, राज्यसभा एमपी। अब राज्यसभा एमपी का टर्म कितना होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, राज्यसभा एमपी 6 ईयर के लिए बनेंगे, लेकिन सुन लो पहले, राज्यसभा एमपी का टर्म कितना है, 6 ईयर, लेकिन आप जानते हो राज्यसभा क्या एक कंटिन्यू हाउस है, लोकसभा का टर्म कितना होता है, 5 ईयर, लोकसभा का टर्म भी 5 ईयर, लोकसभा एमपी का टर्म भी 5 ईयर, बट राज्यसभा एमपी का टर्म 6 ईयर है, लेकिन राज्यसभा क्या है, कंटिन्यू हाउस है, और इसको कभी भी डिसॉल्व विघटित नहीं किया जा सकता है। क्लियर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 6 ईयर टर्म तो है, लेकिन राज्यसभा के टोटल एमपी में से कितने, 1/3 एमपी कितने सालों में,
हर दो ईयर में रिटायर होंगे और नए राज्यसभा एमपी आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया, राज्यसभा एमपी का टर्म 6 साल होगा, लेकिन हर 2 साल में पुराने 1/3 जिनका 6 साल पूरा हो गया वो जाएंगे और नए 1/3 आ जाएंगे और राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब मोहित बताएगा इंडिया में पहला जनरल इलेक्शन कब हो रहा है। 51-52 पहला जनरल इलेक्शन लोकसभा का भी हुआ और स्टेट में एमएलए का भी हुआ। पहले लोकसभा हुआ फिर स्टेट में एमएलए साहब का। अब एमएलए साहब अपने में से चुनकर किसको भेजे, राज्यसभा को। यानी क्लियर है कि इंडिया में राज्यसभा का इलेक्शन पहले नहीं हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन पहले नहीं हुआ। पहले किसका हुआ, लोकसभा एंड विधानसभा, देन किसका हुआ, राज्यसभा। अब राज्यसभा में सबको ही पहली बार चुनकर आ रहे हैं, कितने ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए सबको ही पहली बार चुन के आ रहे हैं सपोज, ठीक है। अब सबको ही चुनकर आए और कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्या कह रहा है कि जो चुनकर आए उनमें से 2 साल में 1/3 चले जाएंगे और नए 1/3 आएंगे। कौन जाएंगे, समझ रहे हो क्वेश्चन मेरा। जैसे मान लो इस क्लास में हम लोग सबको बैठे हैं और आपने क्या किया, 6 मंथ के कोर्स के लिए एडमिशन लिया है। हम लोगों ने कहा कि एसएससी सीजीएल के लिए आपकी 6 महीने की क्या है, कोर्स है, आपका एडमिशन है। लेकिन फिर हम लोगों ने एक क्लॉज में जोड़ दिया कि आप में से 1/3 2 महीने बाद जाएगा पुराने वाले और नए 1/3 को इस क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, एडमिशन लेंगे और उनको मर्ज करके पढ़ाएंगे। यानी अब आप में से कौन कौन जाने को तैयार होगा। आप सब कहोगे कि सर हमने पूरा फीस दिया, ये तो सर क्या है, आप सर पार्शलिटी कर रहे हैं, ये तो सर जस्टिस नहीं है। सबको 6 महीने के लिए थे लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों को चुनकर 1/3 को चुनकर आप 2 महीने में भगा रहे और नए को ला रहे, हम लोग नहीं जाएंगे। क्या हुआ होगा मोहित, यही बात तो उस समय हुआ होगा ना। सारे राज्यसभा एमपी कहेंगे भैया मैं तो नहीं जा रहा, सैलरी मिल रही है, एमपी लेट्स का पैसा मिल रहा है, तेल फ्री, हवाई जहाज में यात्रा फ्री, राजधानी में क्या है जर्नी फ्री, अकेले नहीं अपने एक हेल्पर के साथ भी फ्री, तो इतना ऐसो आराम छोड़कर कोई जाना चाहेगा क्या। क्या किया गया था मोहित बताएगा, जाना तो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, 2 साल में 1/3 जाएंगे पुराने और नए आएंगे। कौन गए थे, क्या किया गया, कौन सा मेथड लाया गया, गुड, लॉटरी सिस्टम लाया गया। अब लॉटरी सिस्टम का मतलब क्या है, उस समय जितने राज्यसभा एमपी थे उनका नाम लिखकर एक डब्बे में डाला गया और डब्बे को बढ़िया से हिला दिया गया, अब उससे निकाला गया लॉटरी। लॉटरी क्या होता है, किस्मत। अब जिसका नाम निकला, मान लो विनीता का निकला, राज्यसभा एमपी विनीता, चलिए मैडम आपका नाम है आप जाइए। फिर निकाला गया हिला के नाम, निकल गया अमन का, सर आपका निकला आप जाइए। तो इस तरह लॉटरी सिस्टम से जो 1/3 का नाम निकला ये 2 साल पे ही चले गए पहली बार में और नए 1/3 क्या हो गए, आ गए। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है क्योंकि राज्यसभा पहली बार बना है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हर 2 साल में 1/3 जाएंगे। कौन जाएंगे, कोई जाना नहीं चाहेगा। सबसे अच्छा उपाय क्या कर दो, लॉटरी सिस्टम। हर 2 साल में 1/3 का ही टाइम पूरा होता है या ज्यादा का भी हो सकता है, शुरू में 1/3 निकालेगा। देखो पहली बार में क्या हुआ होगा, दो बार से किया।